नमस्कार दोस्तों, योगा माई लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का विषय है निर्विकल्प समाधि। इसको निर्वितर्क समाधि भी बोलते हैं और निर्विकल्प समाधि भी बोलते हैं। आप ये वीडियो योगा माई लाइफ यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और हमारा जुड़ाव बना रहे। नीचे लाल रंग का बटन है, उसको दबाएंगे और साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो चैनल सब्सक्राइब भी हो जाएगा और बेल आइकन को दबाने से हमारा वीडियो जब भी अपलोड होगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। तो पिछले वीडियो में जो समाधि का मेरा वीडियो था, सविकल्प समाधि पे था। जो अगला पड़ाव है समाधि का, वो निर्विकल्प समाधि है। आज उस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने बताया था कि आमतौर पे हम पूरा जीवन बाहरी दुनिया में बिताते हैं। बाहरी विचारों के कारण हमारे जीवन की बहुत सारी हैबिट्स होती हैं। हमारे जो जीवन जीने का ढंग होता है वो बाहरी चेहरों जो नियम हैं बाहरी विचारों के कारण उन पे आधारित होता है, अपने आप ही आधारित होता चला जाता है। क्योंकि हमारी जो यात्रा है जीवन की वो बाहर की ओर होती है। इस वजह से जो बाहरी चीज़ें हैं वो हम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। जब हम सविकल्प समाधि तक पहुँचते हैं या सवितर्क समाधि तक पहुँचते हैं तब ये बाहरी विचार हमारे जो ऊपर हमारे मन के अंदर असर डालना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये जो मेंटल पैटर्न बने हुए हैं बाहरी विचारों के कारण, अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में कहेंगे तो मेंटल पैटर्न जो बने हुए हैं बाहरी विचारों के कारण वो हमारे भीतर ही रहते हैं। और जब तक वो सारे के सारे मेंटल पैटर्न समाप्त ना हो जाएं ध्यान साधना की हेल्प से, तब तक हम समाधि के जो अगला पड़ाव है जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं या निर्वितर्क समाधि कहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। और जब तक हम निर्वितर्क समाधि के पड़ाव को पार नहीं करेंगे तब तक हम समाधि के जो अगले लेवल हैं वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। सबसे पहला जो कठिन लेवल होता है वो निर्विकल्प समाधि सविकल्प समाधि का होता है, जो मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में बताया था। निर्विकल्प समाधि का तक हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल चुकी होती है, सांस भी मिल चुका होता है और हमें हमारे पास माइंड को रोकने की पावर भी आ जाती है। उसकी मदद से हम निर्विकल्प समाधि को बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए रेगुलर साधना की ज़रूरत होती है। रेगुलर साधना चाहिए और साथ में कर्मयोग चाहिए। जब तक हम दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, ये एक बड़ा खास नियम है, जब तक आप दूसरे की हेल्प नहीं करोगे तो ध्यान साधना में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको दूसरे की मदद तो करनी होगी ही, बिना दूसरे की मदद किए आप ध्यान साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। इस नियम को समझ लीजिए। और जो दूसरे की मदद करनी है, इस तरीके की मदद करनी है आपका, उसमें कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट ना हो, इनडायरेक्ट बेनिफिट बेशक हो, अपीयरेंट तौर पे आपका अगर 100% दूसरे की मदद कर रहे हैं तो 25% से ज़्यादा आपका बेनिफिट नहीं होना चाहिए। यानी कि इस तरह का विचार नहीं रखना चाहिए कि मुझे इसका बेनिफिट हो। इस तरीके से ऐसे काम कीजिए जिसमें दूसरे की रियल मायने में मदद हो। ये आपको समाधि की अलग अलग अवस्थाओं तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो साधना मैंने बताया था कि अलग अलग प्रकार की साधना का हम प्रयोग कर सकते हैं। योग निद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, शक्ति चालिनी मुद्रा मैंने समझाई है उसका प्रयोग कर सकते हैं, त्राटक का प्रयोग कर सकते हैं। त्राटक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है क्योंकि ये दो तरीके से काम करता है। ये हमारे मन को शुद्ध करता है और हमारे मन को कंसंट्रेट करता है। मन की कंसंट्रेशन प्राप्त हो किसी और तरीके से भी की जा सकती है, लेकिन अगर मन शुद्ध नहीं होगा तो आप राइट डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाएंगे तो अगर कंसंट्रेशन प्राप्त होगी तो वो डिस्ट्रक्टिव भी आपके लिए सिद्ध हो सकती है। इसलिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है ताकि आपका मन आपके लिए अच्छे विचार प्रोड्यूस करे। अगर मन शुद्ध नहीं होगा तो आप सविकल्प समाधि तक भी नहीं पहुंचेंगे। शुद्ध मन की यही निशानी है कि वो दूसरों के विकल्प यानी कि जो विकल्पिक सोचे हैं उनको अपनी जगह नहीं देता। तो त्राटक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है निर्विकल्प समाधि में आगे बढ़ने के लिए। सविकल्प समाधि को पार करने के बाद, सविकल्प समाधि में हमने जो बाहरी विचार सबको जब मन छोड़ देता है, मन किसी भी बाहरी विचार पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करता, उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। लेकिन फिर भी बाहरी विचारों के जो ट्रेसेस हैं वो हमारे मन के अंदर मेंटल पैटर्न के रूप में या योग की भाषा में कहें तो संस्कारों के रूप में रह जाते हैं। जब तक वो संस्कार रिमूव नहीं होंगे हमें पता नहीं चल पाता कि वो संस्कार जो है हमारे अंदर हैं भी या नहीं।
जब तक वो संस्कार रिमूव नहीं होंगे तब तक हम जो अगला पड़ाव है समाधि का वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, मैंने बताया है। इन सब पड़ावों में जो हमारा आनंद का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, हमारी जो कैपेसिटीज हैं सोचने की वो बढ़ती चली जाती हैं। पहले जो बार बार हमें छोटी छोटी बात के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ता था, हमें दूसरों से अनुमति लेनी पड़ती थी कि ये क्या गलत है और क्या ठीक है, इस बात से पीछा छूट जाता है, आपका मन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आपको बिल्कुल साफ समझ आता है कि जो आप कर रहे हो ये ठीक है या नहीं, आपको हर दृष्टि से समझ आता है कि क्या कोई भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो या कहीं भी कुछ करने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, आपको मालूम होता है कि ये भौतिक दृष्टि से सही है, आर्थिक दृष्टि से सही है, आध्यात्मिक दृष्टि से सही है या नहीं है, ये सब बातें आपको क्लियर होती हैं। आपको किसी भी कार्य के लिए किसी दूसरे की अनुमति नहीं लेनी पड़ती या दूसरे की जानकारी नहीं लेनी पड़ती। ये जैसे जैसे समाधि का लेवल अचीव होगा वैसे वैसे आप इन सब बातों से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो निर्वितरक समाधि या निर्विकल्प समाधि में जब आप बाहरी विचारों को पूर्णतया छोड़ देते हैं, उनके ट्रेसेस को भी जला देते हैं, ये संभव होता है। जैसे जैसे ध्यान साधना आगे बढ़ती है तो ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान जो है वो पूर्व संस्कारों को जलाता है। जब तक ज्ञान पैदा नहीं होगा, ज्ञान पुस्तकों से पैदा नहीं होता, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान जो पैदा होता है या जो ज्ञान भरते हैं हम माइंड के अंदर, वो थोड़े समय के लिए होता है, फिर वो उड़ जाता है, वो याद भी नहीं रहता। लेकिन ध्यान साधना से जो ज्ञान पैदा होगा वो जो आपके संस्कारों को भी चलाएगा वो परमानेंट होता है, वो कभी भी कहीं नहीं जाता, वो हमेशा आपके जेहन में रहता है, आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है, बिना बोले सामने वाला आपके ज्ञान के बारे में समझ जाता है और आप भी उस ज्ञान को बिना बोले ही सीखते हो। तो ये था मेरा निर्वितर्क समाधि पे या निर्विकल्प समाधि पे, दोनों एक ही बातें हैं, मेरा ये आज का वीडियो। और मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो आसान भाषा में समाधि, ध्यान और इससे रिलेटेड जो वेदांत के टॉपिक हैं उनका प्रसार कर रहा हूँ। आपको मेरी मदद करनी है, इस मिशन में भागीदार बनना है, आपको मेरी वीडियो को प्रमोट करना है अपने सोशल मीडिया में, वीडियो को लाइक अवश्य करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों तक इस चैनल को पहुँचाना है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप लाइक करेंगे तो ये खुद ब खुद ये काम दूसरों तक पहुँचेगा। चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं जो लोग, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।